गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप सभी। मैं गौरव प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये परसेंटेज की सेकंड क्लास है, लेसन सेकंड है। लेसन फर्स्ट के अंदर हमने परसेंटेज के कुछ बेसिक को जाना कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे हम परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, कैसे फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करते हैं। और हमने जाना था कि टाइप नंबर एक का एक प्यारा सा क्वेश्चन। अभी टाइप नंबर एक को हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, अभी हम फ्रैक्शन का जो ये लेवल है उस पर थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनते हैं दोस्तों। क्योंकि मुझे पता है फ्रैक्शन जो है ना वो पूरे परसेंटेज में लगेगी, पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि फ्रैक्शन अगर आपको अच्छी तरीके से आता है, फ्रैक्शन आता है तो आप परसेंटेज बड़ी आसानी से बताएंगे, परसेंटेज अगर पता है तो फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। तो उस फ्रैक्शन के लेवल को अपना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और देखते हैं कि बड़ी बड़ी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज वैल्यू में कैसे बदलेंगे। जैसे कि दोस्तों, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूँ। मैंने आपसे पूछा भाई 9/8 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई कि 9/8 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। अब मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, किस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू 9/8 है। तरीके बहुत सारे हैं और मैं बहुत सारे करके भी दिखाऊंगा आपको। जैसे कि पहले तरीके की अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई अगर हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना होता था तो हमने पढ़ा था कि 100 से मल्टीप्लाई करते थे। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि भैया आप 9/8 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। आप देखेंगे यहाँ पर आएगा 4 से 25 बार कट जाएगा, 4 × 8 25 नीमा हो जाएंगे आपके 225 डिवाइड बाय 2। और आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो आप पा रहे होंगे 2 × 2 = 2 × 2 = 1/2%, यानी कि 112 से ही 1/2% की वैल्यू होती है 9/8। दोस्तों, 100 से मल्टीप्लाई तो लाखों दुनिया करेंगे, लाखों लोग करेंगे, पर मैं आपको उस लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ कि आप ये 100 को भूल जाए कि 100 मल्टीप्लाई करने के बाद हम ऐसे निकालेंगे, वो कैसे होगा देखो। दोस्तों, आप मुझे बताइए 9/8 की बेस वैल्यू क्या है, 8 है। अब याद करिए, माइंड में लाइए कि भाई 1/8 कौन सी ऐसी परसेंटेज वैल्यू है जिसके बेस में 8 आता था। तो शायद आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा 1/8 किसके परसेंटेज वैल्यू है। देखो, माइंड जब तक का नहीं चलाऊंगा ना काम नहीं बनेगा, वो वैल्यू याद नहीं करनी, ऑटोमेटिकली आपके याद हो जाएंगे। तो जैसे ही मैंने आपसे पूछा भी 1/8 तो आपके माइंड में आना चाहिए, अच्छा 12 से ही 1/2 की वैल्यू होती थी 1/8। अरे भैया, 12 से ही 1/2 की वैल्यू कितनी होती थी 1/8। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9 × 1/8 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ भाई? इसका 9 ही गुना तो था ये, और 1/8 के आपने अभी परसेंटेज वैल्यू बताई 12 से ही 1/2। तो क्या मैं 1/8 की जगह लगा दूं 12 से ही 1/2 परसेंटेज की फॉर्म में, चलेगा भाई? तो ये 12 निम्मा कितना हो जाएगा भाई 108। इस 9 की मल्टीप्लाई होगी तो ये 108 से ही 9/2 हो जाएगा आपका 2%। पर अभी मेरा आंसर नहीं आया क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा है। और कभी आपने ऐसा देखा है कि भाग के अंदर न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा हो? तो अगर मैं इसको और भी ज्यादा सोल्व करूंगा तो 2 × 8 = 4 निकल कर आएगा। 108 में 4 जोड़ेंगे तो 112 से ही 1/2%। दोस्तों, समझ रहे हैं ना मैं कैसे कैसे फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंजिंग कर रहा हूँ। एक और इसका तरीका देखते हैं, बड़ा ही मजेदार तरीका है। उसके बाद आपके जितने भी डाउट आपके माइंड में चल रहे होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि भाई मैंने आपसे कहा 9/8 है, तो क्या मैं इस 9/8 को ये लिख लूं 1 + 1/8 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? 8 × 8 और 1 9/8 बात एक ही है भाई। क्या मैं 9/8 को लिख सकता हूं 1 + 1/8? अब आप मुझे बताइए 1 किसकी परसेंटेज वैल्यू होती है। तो आप बोलेंगे भैया 100 की परसेंटेज वैल्यू 1 होती है प्लस में 1/8। जैसे ही माइंड में चला तो 12 से 1/2% की वैल्यू 1/8 होती है। आपने यहाँ पर लिख दिया 12 से 1/2%। आप देखेंगे 100 येरा और 12 से 1/2 येरा, तो इनको ऐड करने के बाद कितना बन जाएगा 112 से ही 1/2%। दोस्तों, करने के और भी बाकी तरीके हैं, जितना शॉर्टेस्ट फॉर्म हो सके आप वो तरीका जानिए, और भी बाकी मेथड है करने के। दोस्तों, 2-3 एग्जांपल मैं और लेता हूं ताकि आप और भी स्ट्रॉन्ग बने और भी अच्छी तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। अब
दोस्तों मेरे सामने एक एग्जांपल निकल कर आता है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भी 9/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। 9/7 जो ये फ्रैक्शन है ये किस परसेंटेज वैल्यू का है। पहला तरीका तो वही हो गया मेरे प्यारे दोस्तों कि इसके अंदर मल्टीप्लाई कितने की करिए आप 100 की कीजिए। चलो दोस्तों करते हैं अभी इसके अंदर मल्टीप्लाई बाई 100। अगर मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो आएगा दोस्तों 900/7। चलो इसकी परसेंटेज वैल्यू लिखते हैं। 9 × 1 = 9, 2 बचे, 9 × 2 = 14, 6, 9 × 8 = 56 और 4/7%। दोस्तों ये आ गया मेरे सामने 128 सही 4/7%। एक तरीका ये हो गया आपके पास। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ क्या मैं 9/7 को ये बोलना चाहूँ तो ये बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता कि 9 × 1/7। दोस्तों जब भी कोई फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना होता है ना तो आप उसका बेस देखा कीजिए कि बेस क्या है। 1/7 है इसका बेस। अब तुरंत माइंड में जाइए, मैंने कहा था ना आपसे कल कि 1 से लेके 20 तक की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। 1/7 की अगर मैं बात करूँ तो हमने जाना था कि 14 से 2/7 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/7 होती है और ये तो उसका 9 गुना है। तो क्या मैं इसमें ये लिख सकता हूँ 9 × 14 = 2/7% होता? नहीं होता अभी। चलो भाई इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार। तो देखो दोस्तों क्या बनेगा, 9 × 6 = 36, 9 × 9 = 3 = 12, 126 और 9 × 2 = 18/7%। पर अभी मैंने आपसे बोला ना न्यूमरेटर तो छोटा ही होता है हमेशा डिनोमिनेटर से, तो यहाँ से अभी कितना निकल रहा है देखो, 7 × 2 = 14, 2 निकल जाएगा तो आ जाएगा आपका 128 सही 4/7%। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा करने का तरीका, क्या मैं आपको अप्रोच देना चाहता हूँ, क्या तरीका होना चाहिए सवाल को करने का। दोस्तों एक मेथड और जानते हैं सवाल को करने का। मैंने कहा ना बहुत सारे मेथड होते हैं। क्या मैं 9/7 को लिख सकता हूँ 1 + 2/7 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ बिल्कुल। आप मुझे बताइए 1 किसकी परसेंटेज वैल्यू होती, तो आप बोलेंगे भैया 100% पूरा 1 होता है। होता है नहीं होता है। उसके बाद 2/7 को याद करिए। अब 2/7 जैसे ही माइंड में आएगा, अच्छा यार 1/7 तो पड़ा था, 14 से 2/7 होता है, 14 से 2/7 की वैल्यू 1/7 थी, पर ये तो 2/7 है यानी कि उसका दुगना है, तो 14 से 2/7 का भी क्या कर दो, दुगना कर दो, यानी कि 28 से 4/7। 2/7 की वैल्यू क्या होती है अभी, 28 से 4/7। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 128 से 4/7%। घुमा फिरा के बातें वहीं पर आनी है, पर मैं आपको इस फ्रैक्शन के लेवल पे इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ कि जब भी फ्रैक्शन से कोई क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल उससे हिचकिचाए ना। दोस्तों एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ अभी इसके सामने। अच्छा यहाँ लिख सकते हैं ना भाई, ओके एक एग्जांपल है जैसे कि दोस्तों मैंने लिखा आपके सामने 15/8। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 15/8 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, किस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू 15/8 है। तो दोस्तों करने का फिर वही तरीका, भाई आपने कहा भैया 15/8 की वैल्यू बतानी तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए। 4 × 2 = 8 होगा, 4 से 25 बार कट जाएगा, 25 × 5 = 75, 7 × 25 = 25 और 7 = 32/2 और देखेंगे तो इसका मेरा आंसर लगभग ये आ रहा होगा 16/2 = 162 सही 1/2%। देखो मैंने आपको तो नहीं बोला था कि आपको 162 सही 1/2% की वैल्यू याद रखनी है कि भाई 15/18 होते हैं, ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, ये वैल्यू आप निकालना सीख जाएंगे, बस थोड़ी सी देर मुझे और दो। दोस्तों 15 सही 8/15/8 की वैल्यू आई है 162 सही 1/2%। करने का एक और तरीका देखते हैं। क्या मैं इस वैल्यू को ये लिख दूं 2 − 1/8 चलेगा भाई? क्या 15/8 को मैं लिख सकता हूँ 2 − 1/8% लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, ये मुझे बताइए। 15/8 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ 2 − 1/8 बिल्कुल लिख सकते हैं अभी। 8 × 2 = 16, 16 में से 1 = 15 15/8 घुमा फिरा के बाद वही है। अब आपसे मैं अगर पूछना चाहूँ कि भाई 2 किसकी परसेंटेज वैल्यू होती है, तो आप बोलेंगे भाई 100% की तो 1 होती है, यानी कि 200% की 2 होती होगी। तो क्या मैं यहाँ पे 200% लिख दूँ माइनस के 1/8।
अब माइंड में लाइए, 1/8 किसकी परसेंटेज वैल्यू होती है? 12 से ही 1/2 की परसेंटेज वैल्यू क्या, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/8। तो क्या मैं इसकी जगह माइनस के 12 से ही 1/2% लिख दूं? प्यार दोस्तों, आप 200 में से 12 से ही 1/2% घटा लेना। सॉरी, यहाँ पे गलती तो नहीं हो रही थी? 2 × 2 4 × 2 = 8, 4 × 6 = 25, 15 × 5 = 75, 7 × 15 = 30। सॉरी दोस्तों, ऊपर छोटी सी एक मिस्टेक हो गई है, सॉरी, इसको हम थोड़ा सही कर लेते हैं। यहाँ पे 7 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका बन जाएगा ये 2 × 2, 2 × 8 = 16, 2 × 7 = 14। ऊपर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मल्टीप्लाई में, कोई बात नहीं। अगर आप 200% में से 12 से 1/2% की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका बन रहा होगा 187:1:2%। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। और भी बाकी मेथड है, जैसे कि मैंने आपसे बोला इसका बेस वैल्यू 8 है, तो आप 1/8 को याद रखिए, 1/8 होता है 12 से 1/2%। एक और तरीका देख लो। चलो दोस्तों, मैंने बोला भाई 15/8 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ, 15 × 1/8? प्यार दोस्तों, 15 × 1/8, 1/8 माइंड में जाता है 12 से 1/2%, और 12 से 1/2% की मल्टीप्लाई किस में करनी है मुझे? 15 में करनी है। 15 × 12 = 180 हो गए, और 15 × 1 = 15/2 ये आ गया। पर अभी ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा आ रहा है। तो इसमें से अगर मैं इसका भाग दूंगा तो आएगा 7, यानी कि बन जाएगा 187 से ही 1/2%। 7 आपका 180 में जुड़ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप समझ रहे होंगे बातों को, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। अभी 2-3% वैल्यू और लेते हैं, उनसे आपके डाउट मैं और भी अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहूँगा। जैसे कि दोस्तों, मैंने आपके सामने एक परसेंटेज वैल्यू लिखने की कोशिश करी 5/3, कि भाई 5/3 किसकी परसेंटेज वैल्यू? कोई हार्ड बात नहीं है, आप मल्टीप्लाई बाय 100 से लगाइए, बिल्कुल आएगा। ये छोटी छोटी सी चीज़ें सीखिए, फिर बड़ी बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू को सोल्व करने में बड़ा मजा आएगा भाई। अगर मैं 5/3 परसेंटेज वैल्यू को सोल्व करना चाहता हूँ, तो एक तो दोस्तों तरीका है कि आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना बन जाएगा ये 500/3। और क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, 3 × 3 बचे मेरे 2, 3 × 18 फिर 2, 3 × 18 फिर 2, ये आ गया दोस्तों मेरा। अच्छा, वैसे 5/3 को मैं एक और तरीके से भी सोल्व कर सकता हूँ। क्या मैं इसको ये लिख लूँ, 1+2/3 चलेगा भाई? आप प्यार दोस्तों मुझे ये बताइए, 5/3 को मैंने लिख दिया 1+2/3, अगर मैं आपसे पूछूं भाई 1 किसकी परसेंटेज वैल्यू होती है, तो आप बोलेंगे भैया 100% अपने आप में 1% होता है। अब 2/3 की दिमाग खराब वाली बात हो गई। मैंने तो भैया 1/3 पढ़ा था, 33 से 1/3 होता है। अरे 33 से 1/3 की वैल्यू 1/3 थी, पर ये तो उसका 2 गुना है, तो क्या हो जाएगी, 66 से 2/3। तो 100% + 66 = 2/3, और आपका आंसर बन जाएगा 166 से 2/3%। तो 100 और भी तरीके हैं, आप इसकी बेस वैल्यू को देख के भी कर सकते हैं। 33 से 1/3 में 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक आध एग्जांपल दोस्तों और देख के चलते हैं। जैसे कि दोस्तों, मैंने आपके सामने लिख दिया 12/11 कि 12/11 की परसेंटेज वैल्यू बताइए, कि 12/11 परसेंटेज में होता क्या है। करने के फिर वही बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं आपको अब 100 से मल्टीप्लाई करके नहीं बताता, वैसे ही बताता हूँ। क्या मैं इस 12 से ही 12/11 को लिख सकता हूँ 1+1/11 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? आप मुझे बताइए, 1 किसकी वैल्यू होती है, पूरे 100% की होती है। और 1/11 आपने मेरे प्यारे दोस्तों पढ़ा होगा, 9 से ही 1/11 की वैल्यू होती है, 9 से ही 1/11 की वैल्यू होती है 1/11। अगर मैं 109 में 9 जोड़ूंगा तो आपका बन जाएगा 109 से ही 1/11%। कर लेंगे दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ। 2-3 एग्जांपल और देखते हैं दोस्तों, उसके बाद इस वीडियो का द एंड करते हैं।
जैसे कि दोस्तों मान लो मैंने आपके सामने लिख दिया भाई, एक कैसे भी कोई भी वैल्यू आप लिख लो जो आपके माइंड में चलती हो, वो आप वैल्यू लिखिए और सोल्व करिए। जब तक का आप 10-12 फ्रैक्शन, कम से ना कम एक एक टाइप की 12-13 फ्रैक्शन सोल्व नहीं करेंगे, तब तक का नहीं बात बन पाएगी। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने और रखना चाहता हूँ कि भाई मैंने आपसे पूछा 15/7 की परसेंटेज वैल्यू बताइए क्या होगी। अब 15/7 की मुझे परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, सॉरी फ्रैक्शन है, परसेंटेज वैल्यू बतानी है। अब करने के फिर वही तरीके होने चाहिए। पहला मेथड है मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए आप, या दूसरा मेथड है आप इसको क्या क्या लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ क्या मैं इसको ये लिख दूँ 2+1/7 परसेंटेज, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, आप मुझे बताइए। 2 अपने आप में होता क्या है भाई, पूरा का पूरा 200% होता है। ऐसी अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ 1/7 किसकी वैल्यू होती है, तो आप बोलेंगे भैया 14 सही, 2/7 की वैल्यू 1/7 होती है। तो ये कितना बन जाएगा आपका, 214 सही 2/7%, इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है 15/7। एक आध एग्जांपल और लेते हैं प्यारे दोस्तों। जैसे कि मान लो मैंने आपके सामने लिख दिया कि 25/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 25/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। प्यार दोस्तों फिर मैं वही बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारे मेथड हैं, आप किसी भी मेथड से लगा लीजिए जो मेथड आपको आसान लगे, बट 100 से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। 25/8 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ भाई, 3+1/8 चलेगा भाई, 8 3 24 और 1 25/8 हो गया। अब आप मुझे बताइए 3 किसकी परसेंटेज वैल्यू होगी, आप बोलेंगे भैया 300 की परसेंटेज वैल्यू। और 1/8 जैसे ही माइंड में आया, 1/8 होता है 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% की वैल्यू होती है 1/8। प्यार दोस्तों 300 में आप 12 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 312 सही 1/2%। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, किस फॉर्मेट के मैं क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं। दोस्तों इस परसेंटेज के अंदर हमने जान लिया है कि कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बना सकते हैं, कैसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में बना सकते हैं। फिर हमने कुछ मेथड भी जाने अभी सॉल्व करने के कि हम फ्रैक्शन को कितनी आसानी से परसेंटेज के अंदर चेंज कर सकते हैं। अभी एक पार्ट में इस पे और ला सकता हूँ फ्रैक्शन पे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन करके, बिल्कुल ये तो अभी मैंने बेसिक आपको बताया है। फिर हम टाइप वाइज पूरा मैथ पढ़ेंगे, टाइप वाइज का मतलब होगा कि टाइप नंबर 1 पढ़ेंगे, फिर 2 पढ़ेंगे, फिर 3 पढ़ेंगे, अपना लेवल बढ़ता चला जाएगा। और यू डोंट वरी प्लीज, मैंने आपसे गारंटी ली है 100% करवाने की, तो 100% ही करवाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपसे एक गुजारिश है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे बस। प्यार दोस्तों मेरा बस एक ही विश्वास है, अगर मैं आपके लिए 100% दे सका, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी थोड़ा सा भी अगर फ़ायदा होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। ओके दोस्तों, बाय बाय, राम राम, फिर मिलते हैं, कल मिलेंगे एक नए लेसन के साथ। ओके दोस्तों, गुड नाइट।